मुझे भी लगता है, सेम फीलिंग आता है जब ढोलक फट जाता है। बड़बड़ मत कर, चल। ओ मेरा बानी। आकार। हाँ बोलो। कब तक चल गया ये? क्या? तेरा मूड स्विंग? अभी भी 6 महीने बाकी है, सबर कर लो बेटा। ना मैं मिसक दूंगा तुम्हें, 6 महीने कैसे झेलूंगा? क्यों? प्यार करते हो ना, तो झेलना तो पड़ेगा। हाँ झेल रहा हूँ, अभी गुस्सा हो गया है। हाँ तो उसमें मेरा दोष नहीं है। तो किसका है? स्क्रिप्ट तो तुमने लिखी है। अपन ने ये स्क्रिप्ट लिखी था कब? रुको हथौड़ा लेके आता हूँ। किसके साथ फोड़ना है? तुम्हारी खाली खोपड़ी। क्या गजब इज्जत है भाई, औरत की तो इज्जत ही नहीं है। मैं जा रही हूँ फंसी लगाने। बाय बाय, गुड बाय, टाटा, खत्म, खलास। अभी बोल के तो जाओ, कैसे मनाऊं? ओके बॉस, मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। भाई किस चीज का पेपर था ये? पूरा पार्ट मैंने खरीद लिया। पता था मुझे। वाह, मतलब क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। भाई आप ग्रेट हो, मुझे तो इस बारे में नहीं बताया तूने। खरीदा कब्बू हॉस्पिटल में रहकर। हाँ पॉजिटिव कहीं का जमीन। चल अंदर चलते हैं। बीबी सुनो तो। जांको अब घर चले, रात हो गया बहुत। हाँ रुक, उनको बुलाता हूँ। फिर जांको टेमिन को बुलाता है। ते जमीन चलो, रात हो गया बहुत, घर चलते हैं। हाँ भाई आ गए। ते चल चलते हैं। हाँ फिर सब घर चल जाते हैं, बट हमारे टेमिन तो गुस्सा है ये उनको से। तुम सब जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हाँ बीबी आराम से उतरो। जमीन हद है। क्या मैं? क्या और कोई जमीन है यहाँ? तुझे कह रहा हूँ बेबी, मैं देता हूँ ना। मैं किसी शरीफ इंसान को टच नहीं करना चाहता। अभी भी गुस्सा है बेबी, आई एम सॉरी ना। खड़ा क्या है हद है। हाँ आ जा। फिर टेमिन अंदर जाते हैं और उनके पीछे जंकुक भी चला जाता है। बेबी लिसन, आई एम सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो बेबी। नहीं बात करना। तुम लोग आ गए, इतना लेट क्यों हुआ? मॉम टेंशन कर रही थी। हाँ हम लोग ते को लेकर थोड़ा घूमने गए थे। मॉम लेट का है? डैड रूम में है और मॉम खाना बना रही है। मैं रूम में जा रहा हूँ, कोई माफी मांगते हुए मेरे पीछे मत आए। बेबी प्लीज आई एम सॉरी। ते सुनो सुनो तो। ते जाने लगता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और जंगुक जाके ते को पकड़ लेता है। हाँ जागिया ते। डॉक्टर को कॉल करके घर पे बुलाता है। ए, बच्चा तू ठीक है ना? ये क्या हो रही है? मॉम जा गया, मैं ठीक हूँ। इतना क्यों डर रहे हो आप लोग? तुम यहाँ बैठो। सुगा डॉक्टर कब आ रहा है? बस अभी आता होगा, तू शांत हो जा। शांत कैसे? अगर तेरे को कुछ हो जाता तो क्या मैं जिंदा रह पाता? बच्चा बच्चा ठीक है ना? सीरियसली मॉम, आपको बेबी की फिक्र हो रहा है? बेबी को कुछ हो जाता तो हम दूसरा बेबी प्लान कर लेते, बट अगर मेरे टे को कुछ हो जाता तो मैं दूसरा टे कहाँ से लाता? हाँ बताओ। मुझे बेबी की नहीं मेरे टे का फिक्र है, वो मेरा पूरा दुनिया है। भाई काम डाउन, टे को कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर घर आता है। हेलो एवरीवन, डॉक्टर जल्दी मेरे टे को चेक करिए। ओके मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, ठीक है ना? डॉक्टर ते और बेबी ठीक है ना? एवरीथिंग इज फाइन, बेबी और ते दोनों ही ठीक है। शुक्र है कि वो जमीन पे नहीं गिरे, वरना मिसकैरेज हो सकता था। अब वो ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा दोबारा ना हो। थैंक यू डॉक्टर। माय बेबी, मैं कितना डर गया था पता है? क्यों इतना गुस्सा करते हो तुम? आई एम सॉरी ना। जा गया, आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा किया, आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा, अब शांत हो जाओ। मेरी जान, चलो रूम में थोड़ा रेस्ट कर लो। सुगा डॉक्टर को छोड़ गया। हाँ ओके चले डॉक्टर। फिर सुगा डॉक्टर को छोड़ने जाता है और ते को जाने लगता है तभी जी ने उनको रोक के बोलती है, ये क्या है? क्या शायद ये तेरे ऑफिस की कोई काम की चीज है? काम की चीज है, नीचे गिरी हुई थी, दिखाओ मॉम। ओह आप याद आया, ये डॉक्टर ने दिया था, बोला था घर पे जाके देखूं। क्या है ये? लाओ भाई मैं प्ले करता हूँ। फिर जिमिन जाके वो सीरी प्ले करता है, जिसे देखकर जंगकुक के साथ साथ बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। वाह कितना क्यूट बेबी है ते। भाई भाई क्या हुआ, आप खुश नहीं हो क्या? बच्चा ये मेरा बेबी है। सच में ये मेरा बेबी है? हाँ भाई ये आपका ही बेबी है, जो ते के टमी पे है, बड़ा हो रहा है। मेरा बच्चा ते, बेबी आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मुझे ये तोहफा देने के लिए। हमारा बच्चा
क्या क्या देखो कितना क्यूट है। फिर जानकू खुशी के मारे कूदने लगता है। ये माय बेबी। मम मम देखा, दिस इज माय बेबी, जी हां जानकू का बेबी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा तेरा बच्चा है, अब तेरे का ध्यान रखना अच्छे से। हाँ हाँ मम। ए तेरे को रूम में चले जाते हैं। शुगा शुगा कहो। हाँ मुच्ची। हाँ बताओ क्या हुआ। मुझे ना अर्जेंट कॉलेज जाना पड़ेगा, कुछ नोट्स है वो लेकर आना पड़ेगा, मुझे कॉलेज छोड़ दो प्लीज। हाँ ओके, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं जानकू को बोल के आता हूँ। हाँ जल्दी आना। फिर जिमिन गाड़ी में जाके बैठता है और शुगा जानकू के पास जाता है। जानकू क्या मैं अंदर आऊँ। शुगा हाँ जा, क्या हुआ। मैं जिम को लेकर कॉलेज जा रहा हूँ, उसे कुछ नोट्स लेना है, 30 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ ओके आराम से जाना। ओके बाय। फिर शुगा चला जाता है। बेबी लो ये मेडिसिन खा लो, टाइम हो गया। हाँ दो। जिमिन सुन। हाँ भाई बोलो। ये जानकू कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो गया तेरे लिए। हाँ भाई बहुत प्यार करता है तेरे को, मुझे खुशी है, बस इनको किसी की नजर ना लगे। हेलो गाइस। जेनी जेनी ये मोहतरमा कौन है भाई, अब ये कौन सी मुसीबत है। जिमिन ए मैं आ गई। जेनी तू लंदन से कहाँ भाई। आज ही आई हूँ और सीधा यहाँ आ गई। ते ओ ते आई मिस यू। हाँ जेनी हाउ आर यू। अब कौन सा बम फटेगा पता नहीं। What? तुमने शादी कर लिया? हाँ जेनी, ते मैरिड है, मेरे भाई के साथ शादी हुआ है। क्या? नहीं छोडूंगी, ते सिर्फ मेरा है, उससे मैं हासिल करके रहूंगी, मैं इसलिए तो आई हूँ यहाँ। हाँ जेनी, हमें माफ कर देना, शादी बहुत जल्दी में हुआ था, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाए हम। हाँ और तुझे पता है इनकी शादी मैंने करवाई है। ओह कांग्रेचुलेशंस ते। जानकू तू उसे ऐसे तीखी नजरों से काटे क्यों कर रहा है। आई डोंट लाइक हर। हाँ तेरे चेहरे से पता चल रहा है। ते बेबी चलो तुम, मैं तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम हो गया। क्या ते मैं आई हूँ और तुम जा रहे हो, क्या मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तुम। नहीं ऐसा बात नहीं है, वो मैं अब क्या करूँ, दोनों तरफ से मैं लटक गया। जिमिन कुछ कर। अरे जेनी मैं हूँ ना, मुझसे बात कर ले। ते से बाद में बात कर लेना तू। बच्चा तुम लोग बात करो, मैं ते को लेकर रूम में जा रहा हूँ। ठीक है भाई। ते को रूम में चले जाते हैं और जेनी मन में बोलती है, मुझसे मेरा प्यार मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी, ते सिर्फ मेरा है, मैं उससे जानकू से छीन लूंगी, चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े मुझे। जागिया। हाँ बोलो। तुम नाराज हो? नहीं क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें। नहीं वो जेनी आई है इसलिए मुझे लगा कि तुम नाराज हो। इट्स ओके, तुम्हारा फ्रेंड है, जाहिर है तुमसे क्लोज होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने फ्रेंड के चक्कर में खुद का ध्यान रखना भूल मत जाना। तुम बहुत अच्छे हो जागिया। आई लव यू टू। और बता कितने दिन रुकेगी। यही कोई एक दो महीने, वैसे ते कब आएगा नीचे। अभी सीधा डिनर के वक्त आएगा, भाई अभी ते के साथ रहेगा। ओह बट मुझे ते के साथ बात करनी है, मैं उनके रूम जाके बात करती हूँ। अरे रुक रुक, ये तो घोड़े की रफ्तार से निकल पड़ी, बात सुने बगैर ही चली गई। फिर जेनी टेको के रूम जाती है जहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जेके को पसंद नहीं है कि कोई उनके रूम में आए। ते ते। हाँ जेनी तुम यहाँ। व्हाट द हेल, तुम्हें किसने परमिशन दिया हमारे रूम में आने के लिए, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि हमारे रूम में आना मना है। जागी अब ते शांत हो जाओ। क्यों यंग, मैं ते का दोस्त हूँ, क्या मैं उससे मिल भी नहीं सकती। मिलो बट इस रूम में नहीं, ये रूम सिर्फ मेरा और ते का है। तो क्या हुआ, आप बाहर मिलू या रूम में मिलू। ते चलो ना नीचे, हम बहुत सारे बातें करेंगे, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। जेनी मैं आती कैसे। ते कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। यंग आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आने दो ना ते को। एक बार मैं सुना नहीं देता तुम्हें। आई सेड लीव। ते कहीं नहीं जाएगा। जागिया प्लीज शांत हो जाओ। तभी ते को दर्द होना शुरू होता है। जागिया पेन हो रहा है। ते बेबी क्या हुआ, ते क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। बेबी मैं हूँ, शुगा जिमिन मॉम जल्दी आओ। जानकू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। मॉम ते ओ शिट। फिर तीनों दौड़ के ते को के रूम में आते हैं। ते ते मेरा बच्चा क्या हुआ। ते ते तो ठीक है ना। मॉम ते को पेन हो रहा है, गाड़ी निकलो हॉस्पिटल जाना होगा। फिर सब ते को लेकर
और जोंगकॉक बहुत टेंशन में होता है। मिस्टर जियोन, यू डोंट वरी, मैं सब हैंडल करता हूँ। प्लीज डॉक्टर, मेरे टे का कुछ मत होने देना। डोंट वरी नर्स, जल्दी चलो, टे को ओटी में ले जाया जाता है। गॉड प्लीज सब अच्छा करना, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, तेरी बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरे टे को सेफ रखना और मेरे बेबी को भी। टे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुगा, सब ठीक होगा ना? तभी वहाँ आरएम और हावी आते हैं। जिनो, क्या हुआ? जोंगकॉक, टे ठीक है ना? जूनी, टे का डिलीवरी हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत पेन में है। जिनो, तुम रोना बंद करो, टे को कुछ नहीं होगा। भाई, टे ओटी में है। क्या ज्यादा क्रिटिकल है सिचुएशन? हाँ, अब सब गॉड के हाथ में है, तो टेंशन मत कर, कुछ नहीं होगा उससे।